So, hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this video I am going to teach you that how can you improve your English at your home by sitting at your home. आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐसे माहौल में रहते होंगे जहाँ इंग्लिश का कोई उतना खास इम्पॉर्टेंट ना देते हों, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हाउस वाइफ होंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप अलग अलग डिफरेंट वर्क प्लेस पर काम करते हों, लेकिन मन में थोड़ा सा एक विश है कि भाई मैं भी इंग्लिश इम्प्रूव करूँ, मैं भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखूँ, क्लियर है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कई सारे वीडियोज़ में कि इंग्लिश जो है दोस्तों ये एक लैंग्वेज है, क्लियर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट वाली चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और रोज़ हम उसी पर फोकस करते हैं कि भाई कुछ मैं अच्छे से ग्रामर अपने इम्प्रूव कर लूँ, ग्रामर इम्प्रूव कर लूँ, ठीक है, मैं अच्छे से टेंस सीख जाऊँ, मैं अच्छे से वॉइस सीख जाऊँ, मैं नरेशन सीख जाऊँ, ये सब सीख जाऊँ, फिर मैं मार्केट में इंग्लिश बोलूँगा और अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 ही हर चीज़ इम्प्रूव होती है, क्लियर है ना। तो ऐसे पांच चीज़ें, ऐसे पांच रूल्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते। जो आज मैं आपको ये पांच टिप्स बताने वाला हूँ, ये मैं ऑलरेडी अपने ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ, लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है ना। तो आपको बाहर कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास समय नहीं है तो। हाँ, कोचिंग जाने से एक फ़ायदा होता है कि आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है और जो गलती आप साल भर करेंगे, ठीक है ना, वो दो तीन महीने में करके आप वो गलती ख़त्म कर देते हैं, फिर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चालू कर देते हैं। लेकिन फिर भी से, क्लियर ना, अगर आप दृढ़ता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो मैं आपको फॉर्मूला आज बताने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली दोस्तों यू विल बिकम ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। पहला टिप आपके लिए ये रहेगा, या पहला रूल आपके लिए ये रहेगा कि ओके, यूज़ इंग्लिश के स्मॉल सेंटेंसेस इन योर स्पीकिंग। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो, जब भी आप कुछ भी बात करो, तो ट्राई करो दोस्तों कि छोटा मोटा भी सेंटेंस, छोटा मोटा भी वर्ड्स आपको जो इंग्लिश में आते हैं, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। डरिए नहीं, मे बी एक बार में, दो बार में, ठीक है ना, क्या होगा कि लोग आपको बोलेंगे अरे यार के अटपटा वर्ड्स आ रहे हैं, अटपटा शब्द बोल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन नो नीड टू फियर अबाउट दैट, क्लियर, जस्ट यू हैव टू स्पीक, आपको वो बोलना पड़ेगा बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ना दोस्तों, दैट्स वाई, क्लियर है, क्लियर है। क्या करना पड़ेगा, यूज़, जब आप बोलते हैं तो आपको छोटा मोटा जो भी सेंटेंस आपको आता है वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्लियर है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छे से ग्रामर इम्प्रूव कर लूँ फिर मैं बोलूँगा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्लियर। जस्ट यू हैव टू स्पीक, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने कलीग से बात कर रहे हो, किस से बात कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है, ठीक है ना, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको यूज़ करना, मान लो कि हम लोग कितने दिन में बोलते हैं कि मतलब सॉरी एक दिन में कितने बार बोलते हैं किसी को कि भाई क्या हुआ, तो आप उस क्या हुआ की जगह में व्हाट हैपेंड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो आपको इम्प्रूव सॉरी आपको यूज़ करने हैं, क्लियर है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका जो डर है वो खत्म होगा, क्लियर है ना। जब कोई बोलता है अरे यार इंग्लिश का वर्ड ये बोल रहा है, तो वो इंग्लिश के वर्ड बोलने से आपका जो डर है वो झिझक है वो खत्म होगा, क्लियर है। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं एवरी डे व्हेन यू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वेदर यू आर स्पीकिंग इन छत्तीसगढ़ी, वेदर यू आर स्पीकिंग इन मराठी, वेदर यू आर स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, क्लियर है, यू हैव टू यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस रूल एवरी डे टिल 90 days, डेफिनेटली यू विल बिकम ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। एंड जो सेकेंड जो रूल है वो है दोस्तों मेकिंग नोट्स। अभी इस नोट मतलब कि आप डायरी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, मेकिंग नोट्स एंड डायरीज, मतलब कि वॉट यू हैव टू डू इन दिस टास्क, यू हैव टू जस्ट परचेज अ नोटबुक और अ डायरी फ्रॉम द मार्केट, क्लियर है ना, एंड यू हैव टू राइट वॉट यू हैव डन एवरी डे, जो भी आपने पिछले दिनों किया है उसको उस डायरी पर रोज़ लिखना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज तो आता ही नहीं, समझ ही नहीं आता क्या बोले, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल टास्क आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल टास्क जो 5वीं 8वीं के बच्चे फॉलो करते हैं, क्लियर है। आप ये मत लिखिए कि क्या हुआ कल के दिन, उसमें आपको पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस होता है उसको फॉलो करिए। प्रेजेंट सिंपल नहीं भी जानते हैं तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ। अब इससे क्या होता है, पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी इंग्लिश में, क्लियर है ना, एकदम सटीक बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको, अगर आप फॉलो करोगे ना डेफिनेटली यू विल लर्न इंग्लिश
अमेजिंग, ठीक है ना। तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी पहली चीज़, ठीक है ना। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है जो डर लगता है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, वो इम्प्रूव होगी, क्लियर है। और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप राइटिंग कर सकते हैं इंग्लिश में करके, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, आप याद रखिए, ठीक है ना, ओके। एंड थर्ड टास्क इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, मैं आसान चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, टफ, क्लियर है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जो यही चीज़ मैं आपको जो बोल रहा हूँ लिखने के लिए, क्लियर है, लिखने के लिए जो मैंने आपको बोला ना, वो चीज़ आपको बोलना है, एंड नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड यू हैव टू पोस्ट योर वीडियो ऑन सोशल मीडिया, मेकिंग वीडियोस, एंड मेकिंग वीडियोस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, ओके, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने बोलने के लिए आपको जो डर लगता है, जो हेजिटेशन होता है, वो दूर करेगा क्या, मेकिंग वीडियो। और अपनी आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं, क्लियर है ना। आप किसी भी व्यक्ति का जो इंग्लिश में वीडियो बनाता है, ठीक है, यूट्यूब पर जाइए, इंस्टा पर जाइए, ठीक है ना, उसके सबसे पहले वीडियो को देखिए, सबसे पहले बहुत एकदम, मतलब कि उतना खास अच्छे से नहीं इंप्रूव रहा होगा उसका इंग्लिश जो वीडियो बना रहा है, ठीक है ना। आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं पहले शुरू शुरू का, ठीक है ना, ओके, इट वॉज नॉट गुड, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको मेकिंग वीडियो, जो भी आपको, जैसे कि आप कैमरा निकाल ली, ठीक है, कैमरा निकालने के बाद जस्ट यू हैव टू मेक वीडियो, टर्न ऑन योर कैमरा, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, जैसे व्लॉगिंग करते हैं, मैंने आपको पहले बताया ये इस बारे में, जैसे व्लॉगिंग करते हैं कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। तो डेली रूटीन जो मैंने आपको बताया है ना, उसी को फॉलो करते हुए इंग्लिश आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू, जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर स्पीकिंग, क्लियर है। चलिए अभी चौथा टास्क जो होगा आपका, चौथा जो आपका रूल होगा वो होगा लिसनिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। अभी लिसनिंग राइटिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस YouTube में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसी YouTube में, ठीक है ना, कोई इंग्लिश की स्टोरी निकाल लीजिए, कोई इंग्लिश स्टोरी, बहुत सिंपल कार्टून वीडियोस या फिर कोई स्टोरी, ठीक है ना, उस स्टोरी को और स्लो कर दीजिए, आप एकदम स्लो कर दीजिए, ठीक है ना। एकदम स्लो करने के बाद क्या होगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, वो स्टोरी में वो बोलना क्या चाहता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब उसको सुनिए, पहले दो तीन मिनट का या पाँच मिनट का वीडियो निकाल लीजिए, पहले तीन चार बार उसको अच्छे से सुन लीजिए दिन में, ठीक है ना। आपको कोई न्यूज़ पढ़ने, न्यूज़ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर, डोंट वॉच न्यूज़ इन द बिगिनिंग, ठीक है ना, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू, क्लियर है। सो स्टोरी निकाल लीजिए, उसको सुनिए और क्या बोल रहा है समझिए, ठीक है ना। देन अपना नोटबुक निकालिए और उसमें लिखना चालू करिए, क्लियर। कुछ भी वर्ड आपको समझ में आ रहा है, मान लीजिए गो समझ में आ रहा है, गो लिख दीजिए, मान लीजिए अब कम समझ में आ रहा है, कम लिख दीजिए, मान लीजिए आपको स्टडी समझ में आ रहा है, स्टडी लिख दीजिए, क्लियर है। अब इसी टास्क को आपको कंटिन्यू यू हैव टू फॉलो, और जहाँ पास लगता है कि भाई ये स्पेलिंग मैं गलत कर रहा हूँ, वहाँ पास आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना, फिर उसको बाद में आप रिपीट करिए या फिर बाद में आप चेक करिए, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, जैसे आपको बताया, उस समय बताया था सेकंड नंबर टास्क पे, यहाँ पर मेकिंग नोट्स में, दिस विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है ना। तो ये दोनों आप अगर फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू विल बिकम ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, क्लियर है। एंड लास्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है थिंकिंग इंग्लिश। आप भाई कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका जो थिंकिंग लैंग्वेज है वही इम्प्रूव नहीं होगा, तो ये सब तो फिर करने से रहा ही नहीं, बहुत दूर की बात है ये तो, है ना। थिंकिंग इंग्लिश, थिंकिंग इंग्लिश, क्लियर है। तो आपको जो भी चीज़ें सोचनी है वो हिंदी लैंग्वेज में या फिर जो भी आपकी मातृभाषा उसमें नहीं सोचनी, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो डेफिनेटली जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचेंगे, जैसे कि आपकी लैंग्वेज थिंकिंग होनी चाहिए ना भाई, जैसे कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं एक ग्लास वार्म वाटर पीता हूँ, तो वो पीता हूँ, है ना, जाता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, ये सब कौन से टेंस है, ये सब आपका है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आप पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, चार पाँच या फिर दस बीस सेंटेंस बनाकर देख लीजिए, उसी को फिर यू हैव टू जस्ट मेमोराइज एंड यू हैव टू स्पीक और यू हैव टू थिंक, उसका रूल क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए दोस्तों, पहले तो मैंने आपको बताया वैसे भी कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर थ्री थिंग्स, विच इज मनी, एनर्जी और टाइम,
क्लियर है। मनी किस लिए? मनी आप जब पढ़ेंगे रीडिंग करने के लिए, आपको जो फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से किताब खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसा, ठीक है ना, क्लियर है। सो यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, क्लियर। अगर ये पांचों रूल आप डेफिनेटली फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली नोबडी विल स्टॉप यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू स्पीक गुड इंग्लिश, क्लियर है ना। और ये यूजिंग स्मॉल सेंटेंसेस, मेकिंग नोट्स, मेकिंग वीडियोज, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये चीज़ अगर कोई भी व्यक्ति फॉलो कर लेता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पाँचवीं पढ़ा हो, चाहे दसवीं पढ़ा हो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, ठीक है, हिंदी मीडियम कहीं से भी, और कंटिन्यू फॉलो करता है, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू फॉलो करता है अगर वो 90 दिन तक, डेफिनेटली उस व्यक्ति की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, डेफिनेटली उस व्यक्ति की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स विच आई हैव टॉट यू। चाहे आप किसी ऑफलाइन क्लास में भी जाएंगे ना आप दोस्तों, तो यही सब आपको सिखाया जाएगा, क्लियर है। या ऑनलाइन भी आप जाएंगे ना, तो इसमें से कुछ चीज़ें ही से आपको सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों नहीं सिखाते हैं लोग ऐसे, ठीक है ना, फिर भी क्लियर है। सो आई होप दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, एंड यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, आई होप दैट। मैं आशा करता हूँ कि आप जो सब चीज़ मैं जो आपको बताया हूँ वो आप फॉलो करेंगे, एंड यू विल बिकम अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।